Good morning. Today, my name is Akshay Mohan Jha, and today we are going to study chapter number 3, adjective. This is from the grammar book of class 8. Student, we all know what an adjective is. Adjective is a word which describes the quality of a noun or pronoun. They are usually written between article and a noun, before the noun and after the linking verb or intransitive verb. इसका मतलब ये है, एडजेक्टिव जो है उसको हम लोग हिंदी में विशेषण कहते हैं, और अंग्रेजी में विशेषण जो है वो संज्ञा यानी नाउन के पहले लगा होता है या सर्वनाम प्रोनाउन के पहले लगा होता है। कभी कभी क्या अधिकतर ये जो एडजेक्टिव है या विशेषण है वो आर्टिकल और नाउन के बीच में इसका प्लेसिंग होता है, ठीक है। एट टाइम्स एडजेक्टिव comes after a verb, linking verb or intransitive verb. तो कभी कभी हम लोग देखते हैं linking verb उन verbs को कहते हैं जो sentence में connect करता है किसी noun दूसरे pronoun के साथ, या noun noun के साथ, या noun adjective के साथ, ऐसे करके connect करता है। और ये verb जो होते हैं उनका कोई विशेष role नहीं होता है sentence में, मतलब वो कोई क्रिया नहीं करते हैं, कोई चीज़ अवस्था नहीं बताते हैं, बल्कि वो सिर्फ सेंटेंस को जोड़ते हैं। तो ये है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है उसके बारे में ये तो डेफिनेशन हुआ। अब हम लोग एक और चीज़ जान जाएं। यहाँ दिया हुआ बॉक्स में पार्टिसिपल्स एज एडजेक्टिव्स, आप जानते ही होंगे पार्टिसिपल्स किसको कहते हैं। वर्ब विच फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव और वर्ब विच हैज़ द फोर्स ऑफ एन एडजेक्टिव इज कॉल्ड पार्टिसिपल। इंग्लिश में पार्टिसिपल तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। ये हम लोग जब वर्ब पढ़ेंगे तो उसको अच्छे से कवर करेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा जानकारी के लिए पार्टिसिपल्स कहता है बोथ प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल कैन बी यूज एज एडजेक्टिव। प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल जो है वो एडजेक्टिव के रूप में यूज होते हैं। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई मेट एन इंटरेस्टिंग पर्सन। तो यहाँ देखिए ये जो इंटरेस्टिंग है ये वर्ब है, बट ये पर्सन कॉमन नाउन है, ये कॉमन नाउन के पहले ये वर्ब लगा है, लेकिन ये वर्ब फंक्शन कैसे करता है, ये फंक्शन कर रहा है किसी की विशेषता बता रहा है। इंटरेस्टिंग, ये आई मेट एन इंटरेस्टिंग पर्सन, मैं बहुत ही मज़ेदार व्यक्ति से मिला। तो यहाँ व्यक्ति के पहले ये जो इंटरेस्टिंग है वो डिस्क्राइब कर रहा है उस व्यक्ति को, सो ये एक तरह से एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है। तो ये तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ। द सेकेंड एग्जाम्पल है द टायर्ड मैन रेस्टेड इन द कूल शेड ऑफ द ट्री। अब यहाँ द टायर्ड मैन, टायर्ड ये देखिए ये भी एक वर्ब है, IRED, टायर्ड TIRED। तो ये वर्ब जो है ये फंक्शन कैसे कर रहा है, ये एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है, और ये मैन के पहले लगा है, तो इसको हम लोग कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ये आप ध्यान दीजिए और समझिए इसको कि ये भी एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये मैन के पहले एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ना काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ के कितने भेद हैं, तो उसमें है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव एंड पोजेसिव एडजेक्टिव और इम्फेसिस, इम्फेसिजिंग एडजेक्टिव। ये इतने सारे एडजेक्टिव हैं। तो यहाँ हम देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में क्या है कि ये किसी का क्वालिटी बताता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो है वो डिस्क्राइब करता है एक व्यक्ति का गुण या कोई खास विशेषता बताता है, और खासकर इस तरह के एडजेक्टिव को जानने के लिए व्हाट काइंड का हम यूज़ करते हैं। जैसे हर रेड हेयर कॉट आर अटेंशन, यहाँ पे हेयर के पहले रेड लगा हुआ है, तो ये बताता है हर रेड हेयर caught our attention।